is actually the last video of 2021 and I'm very very excited. Thank you so much for showing so much love. मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कैसे ट्रेंड हो गई है एंड आई जस्ट गेन्ड अराउंड 200 फॉलोअर्स ओवरनाइट. वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ पूजा और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि बहुत ही दिनों बाद मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ. वैसे काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग्स ही बना रही थी बट आई थॉट कि मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली है न्यू ईयर के अराउंड तो वाई नॉट शेयर इट विद यू गाइस. इन दिस वीडियो यू विल सी अ लॉट ऑफ स्किन केयर, अ लॉट ऑफ मेकअप, थोड़ा सा क्लोथिंग आइटम्स एंड अ कपल ऑफ परचेजेस जो मैंने इसलिए किए थे ताकि मेरी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए और बाहर थोड़ा कम जाना पड़े. So yeah, without any further ado, let's get started. So first thing first, I'll start with मेरा एक नया interest जो कि है candles. I don't know why मुझे एकदम से candles में interest आने लग गया. मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ भी मैं बैठी हूँ तो वहाँ पे अच्छी vibe हो. तो I thought of purchasing a candle. I have heard a lot and I have researched a lot. Bath and Body Works की candle काफ़ी अच्छी है but it was so costly you guys. तो मैंने सोचा इसका कुछ एक जुगाड़ू वर्जन निकाले. तो I just ऐसे ही randomly bought this candle when I went to Chennai and it's from Miniso. Scent candle Elegant Rose. तो आप background में भी देख सकते हो मैंने अभी एक burn करी हुई है and the fragrance is so amazing you guys. मतलब ना एक room में एक अलग सी प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लगती है. डज द जॉब प्रीटी वेल. नेक्स्ट इज द आइटम जिसने मेरा साल इतना आसान कर दिया, उनका फेस ट्रिमर. एंड यू गाइस इट वर्क्स अमेजिंग. पहले वीट का भी था और फिलिप्स का भी था बट दिस वन इज वेरी इजी टू यूज. इसमें ना एक्चुअली लाइट भी है जिससे काफी इजी रहता है. आप इसकी आवाज सुन सकते हो. यू जस्ट हैव टू यूज इट लाइक दिस सर्कुलर मोशंस में एंड इट डज द जॉब प्रीटी वेल. मुझे ये बहुत अच्छा लगा. काफ़ी पहले ये आइटम्स खरीदी थी तो मुझे प्राइसेस ऐसे याद नहीं है तो मैं यहाँ पे पक्का वीडियो में नीचे डाल दूंगी सो दैट यू कैन बाय इट टू. नेक्स्ट अप वी हैव आर टू क्लोथिंग आइटम्स जो मैंने खरीदी है रिसेंटली. तो एक तो है स्वेटशर्ट जो मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई अमेजोन पे. आजकल मैं ना अमेजोन के अपने ब्रांड्स ट्राई कर रही हूँ. मैं काफ़ी अच्छी रेंज है, काफ़ी अच्छे साइजेस है, इट्स वेरी इंक्लूसिव and reasonable hai. So this one I bought for 499 rupees. It's a sweatshirt. It's a very decent see sweatshirt. तो आप देख सकते हो इसमें एक छोटा सा लव लिखा है. I love the color. And you won't believe guys, it's में अंदर ना fleece है. So it's not like your regular sweatshirt जो मतलब अंदर से बिल्कुल plain सी होती है cotton sort of, but it has fleece in it. तो ये काफ़ी warm भी है. And like you know, I live in Delhi. तो यहाँ पर तो काफ़ी ठंड हो गई है. तो इट इज़ वेरी 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 कम्फी. बहुत मज़ा आता है ऐसे रिलैक्स करने में, चिल करने में. तो इट्स अ वेरी 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 गुड स्वेटशर्ट. नेक्स्ट अप इज समथिंग जिसमें मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था जब मैंने ये मदुरई एयरपोर्ट पे अपना एयरपोर्ट लुक डाला था कि आपने कहाँ से ली. दिस सेट इज़ फ्रॉम अर्बैनिक. ये आजकल टाई एंड डाई काफ़ी चल रहा है. आई जस्ट पोस्ट अ पिक्चर हियर. इसमें मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई. आई थॉट कि ये थोड़ा ना स्वेटशर्ट टाइप का मटेरियल होगा बट दिस इज़ पॉलिएस्टर. अगर आपने शी इन या अर्बैनिक से शॉपिंग करी है तो आपका आपको पता लगेगा उसका एक टिपिकल सा मटेरियल होता है पॉलिएस्टर का. वो ये उसी मटेरियल में है तो ये ठंड वंड कुछ नहीं रोकता, बस फैशन के लिए है. दिस सेट आई बॉट फॉर आई थिंक 1200 रुपीज. तो विच आई थिंक इज़ प्रीटी गुड बट अगर ये थोड़े मोटे कपड़े में होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता. मूविंग ऑन टू द स्किन केयर, दिस प्रोडक्ट हैज़ लिटरली चेंज्ड माई लाइफ एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, यू वोंट बिलीव दिस प्रोडक्ट विल चेंज योर लाइफ. मैंने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट पूरा खत्म कर दिया है तो आई एम जस्ट शोइंग यू द न्यू वर्जन. इट्स द न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन विटामिन ई. इट्स स्लाइटली ऑन द कॉस्टलियर साइड बट ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट देर इज नो गोइंग बैक. दिस प्रोडक्ट हैज लिटरली चेंज्ड माई लाइफ. जो मेरे एक्ने ब्रेकआउट्स भी हो रहे होते हैं या फिर कभी जैसे मैं भी पहाड़ों पर गई थी बीच में या मैं सी साइड भी गई थी तब भी जब मेरा फेस जैसे थोड़ा ड्राई हो गया था, फट रहा था, तो आई जस्ट यूज दिस एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ. इट्स जस्ट सो अमेजिंग. सो वी हैव इज अ लिप बाम. दिस इज फ्रॉम एक्टे. मैंने आपको पहले भी शो करा हुआ है बट दिस इज माई सेकेंड बॉक्स. ये ना गर्मियों में तो सही था बट ठंड में मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये काफ़ी जम सा गया है एंड नाउ आई हैव टू कीप इट इन धूप और उसके बाद थोड़ा मेल्ट होता है देन आई यूज़ इट. तो इसमें थोड़ा सा ये इशू है. सो फॉर द टाइम बींग आई एम बैक टू माई मेबलिन का लिप बाम. ये एक तो यार आई थिंक हमने 9th-10th में यूज़ करना शुरू किया था, उसके बाद इसे पैकेजिंग अपनी बदलते रहते हैं बट द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम एंड इट्स वेरी नाइस.
ये वाला ना चेरी शेड में है, एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी नाइस टिंट. तो कभी कभी आई डोंट यूज अ लिपस्टिक, आई जस्ट यूज दिस एंड गो आउट, लाइक अगर कभी मार्केट वगैरह जाना. मूविंग ऑन टू द मेकअप आइटम्स, मैंने रिसेंटली बहुत सारा मेकअप खरीदा है एंड मुझे लगता है ये ब्लैक फ्राइडे सैंटा वाली सेल लगी थी ना, ये सबसे ज्यादा मैंने यूटिलाइज करी है. आई रिसेंटली बॉट टू आई शेडो पैलेट्स और आई जस्ट शो यू द फर्स्ट वन. दोनों ही मेकअप रेवोल्यूशन के हैं, बट जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, इट्स सो क्यूट यू गाइज, बहुत ही ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग है. एंड इट हैज़ दीज शेड्स ऑफ पिंक, वेरी पिगमेंटेड, बहुत अच्छा है. एंड आई जस्ट लव द शेड. इट वॉज फॉर 950 rupees एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग. मैंने इसको एच ओ के ब्यूटी से मंगवाया था. इट्स अ साइट विच हैज़ प्रोडक्ट्स जो काफ़ी मतलब आपको रीजनेबल उस पर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. दीज आर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, सो यू डोंट हैव टू वरी. और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे ये पैलेट. दिस डेज आई एम मोर इन टू पिंक्स एंड थोड़े से न्यूड सॉर्ट ऑफ शेड्स, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. दिस पैलेट इज़ अगेन फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, इट्स देयर फॉरएवर फ्लॉलेस एल्यूर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये तो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं करा है. मुझे ये ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था, लाइक दिस यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, लाइक जस्ट लुक एट दिस. इट्स अ स्टील डील, इट्स वेरी प्रिटी. आई एम इन लव विद द पैकेजिंग. मुझे ना पैकेजिंग पसंद आती है तो भी मैं प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ. नहीं, मैं ऐसे नहीं करती, बट या इफ यू नो व्हाट आई मीन, इट्स वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग. यू कैन ऑल्सो गिफ्ट इट टू समवन लाइक योर सिस्टर और एनीवन. अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो, अपनी मम्मा को या किसी को, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड गिफ्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट अप वी हैव इज अ कंसीलर. तो बेस प्रोडक्ट्स पे आते हैं, तो वी हैव दिस कंसीलर. ये तो मेरा गो टू प्रोडक्ट है, आई डोंट इवन हैव टू मेंशन. इट्स एले गर्ल प्रो कंसील इन द शेड क्लासिक आइवरी और आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, सो ये तो मुझे लेना ही था. मूविंग ऑन टू द मैक प्रोडक्ट, मैक से मैंने रिसेंटली शॉपिंग करी एंड मैं बहुत लुट गई, बट क्योंकि क्रिसमस सेल चल रही थी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया सामान, तो मुझे थोड़ा सा सही पड़ा. अ मैक लिपस्टिक टेडी 2.0. टेडी 2.0 इज अ शेड मैंने अभी भी लगाया हुआ है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड कलर. एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये कलर. एंड अगर आप देखो ना, इसकी पैकेजिंग भी वो टिपिकल पहले वाले मैक की तरह नहीं है, इट हैज़ अ वेरी मैट फिनिश वाला पैकेजिंग, सो इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. इट्स अ न्यूड शेड, इट्स वेरी प्रिटी विद अ लिटिल बिट ऑफ पिंक इन इट. तो ये ब्राउन और पिंक का एक बीच का शेड है एंड इट लुक्स ऑसम इन विंटर स्पेशली. बॉट दिस मिनी मैक का फाउंडेशन इन द शेड NC20 and I'm yet to use it. मैंने टेस्टर लेकर आई थी मैक से just to use it. तो I found it very nice on my skin. तो ये काफ़ी अच्छा है, it gives you full coverage. It's amazing to use. मेरे क्योंकि acne भी है and I have an oily skin. तो this works really good on it. इसके साथ मुझे ये छोटू सा स्ट्रोब क्रीम भी मिला है. इट लाइक इल्यूमिनेट्स योर फेस और काफ़ी अच्छा बेस में लुक देता है आपको, लाइक वेन एवर यू डू योर मेकअप इट गिव्स यू अ वेरी गुड ग्लो. So I am like very excited to use this product. I'll just quickly show you. This is how it looks like. मुझे ना कुछ भी free का मिलता है तो I'm like very excited. मुझे बहुत मजा आता है. So I think we are done. I think that was it for my छोटा सा haul. This is haul slash my yearly favorites. क्योंकि मैंने ये पूरे साल use करे हैं. Can actually vouch for these products and I can recommend these to you guys. तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है जो आपके पास भी होनी चाहिए and you would like to buy it, then please let me know in the comments and you can also check out the links in the description. आप वहाँ से directly भी purchase कर सकते हो. I hope you like this video. This is actually the last video of 2021 and I'm very very excited. Thank you so much for showing so much love. मुझे नहीं पता मेरी video कैसे trend हो गई and I just gained around 200 followers overnight and I'm super super happy for that. Thank you so much for giving me इतना सारा प्यार. And I hope आपकी ये छुट्टियाँ, आपका न्यू ईयर बहुत ही अच्छा रहे. I wish you happy holidays, a happy new year in advance. And yeah, if you're on the channel for the very first time, please check out all my videos. Don't forget to like, share and subscribe. I make pretty awesome content on all my socials. Follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat. And I'll see you guys in the next one. Bye!